नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, मेरी लड़ाई पंजाब का गौरव लौटाने की है। क्रिकेट से राजनीति में आए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह पंजाब बचाने के लिए कांग्रेस में आए हैं, इसलिए किसी भी नेता के खिलाफ और कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद सिद्धू ने यह कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि उनकी लड़ाई पंजाब का गौरव लौटाने की है और इसी मकसद से वह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्व इस मुहिम में उन्हें जिस सीट से भी चुनाव लड़ने को कहेगा वह पार्टी हाईकमान के आदेश का पालन करेंगे। सिद्धू ने कांग्रेस को कौशल्या बताया, वहीं अपनी पूर्व पार्टी भाजपा को कैकेयी कहा। सिद्धू ने कहा कि वह पंजाब के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस में आए हैं। भाजपा छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने संबंधी सवाल पर सिद्धू ने कहा कि भाजपा ने पंजाब में गठबंधन के लिए अकाली दल को चुना था और उन्होंने पंजाब को बचाने का विकल्प चुना था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से उनकी बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन यह पार्टी उन्हें चुनाव नहीं लड़ाना चाहती थी, इसलिए उनके पास कांग्रेस के सिवा कोई विकल्प नहीं था। बताया जाता है कि सिद्धू अमृतसर पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक भी होंगे। पटियाला के रहने वाले सिद्धू 2004 में अमृतसर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। फिर 2009 में हुए आम चुनाव में भी उन्होंने सीट पर जीत हासिल की थी और अप्रैल 2016 में वह भाजपा से राज्यसभा के लिए चुने गए, लेकिन महज 3 माह बाद जुलाई में उन्होंने राज्यसभा और फिर भाजपा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह के साथ आवाज पंजाब नाम से एक नया राजनीतिक फ्रंट बनाया था। परगट सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। भाजपा ने सिद्धू के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें कपूत बताया तो अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने उन्हें गद्दार करार दिया है। पंजाब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि सिद्धू भाजपा को अपनी मां बताते थे, उन्होंने अपनी मां को धोखा दिया जिसने उन्हें राजनीतिक मंच, नाम, प्रसिद्धि सब कुछ दिया। दुर्भाग्य से पूत कपूत बन गया, लेकिन मां वही रही। सांपला ने सिद्धू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कल तक सिद्धू राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित करते थे और आज वही पप्पू उनके राजनीतिक गुरु बन गए हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। मुलायम बोले, मुसलमान विरोधी हैं, अखिलेश नहीं माने तो लड़ूंगा उनके खिलाफ चुनाव। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, रावत सरकार के मंत्री यशपाल आर्य भाजपा में शामिल। एमआईएम नेता अफदुद्दीन ओवैसी ने कहा, महात्मा गांधी से भी बड़े नेता अम्बेडकर। आरएसएस में अधिक संख्या में शामिल हो महिलाएं, आडवाणी ने कहा। सुरक्षा कर्मियों के वायरल वीडियो पर सख्त हुई सरकार, होगी समीक्षा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।